Hello guys, there is another job update that is coming right away from National Institute of Ocean Technology, Chennai. तो यहाँ से जॉब अपडेट आ रहा है और ये जॉब अपॉर्चुनिटी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने एमई एमटेक किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है. सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. तो मैं एक एक करके सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो है बीटेक स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स है. तो उनके जॉब अपडेट्स को थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा, राइट. सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई की तरफ से ये जॉब अपडेट है, जो कि एक ऑटोनोमस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे आता है. इस जॉब अपडेट्स को मैंने जो सर्च करके फाइंड आउट किया है वो ये आपका वेबसाइट है जहाँ से आपको ये मिल जाएगा. एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए. और उन्होंने बोला है कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट लिंक. तो इस लिंक से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. जिस इसी लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है. यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है. ये जो PDF मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो PDF भी आपका डाउनलोड हो जाएगा. तो अब मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट है. नेम ऑफ द पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, सबसे पहला पोस्ट 2, ये MEMTech स्टूडेंट्स के लिए है. डिटेल्स आगे हम लोग देखेंगे. फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है जो कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है. फिर हमारे पास है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंस जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है. और ये प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो कि उसके नीचे ITI स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की बात करें जो कि बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 25 पोस्ट आपके लिए डिफाइन किया गया है. और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे 30 पोस्ट डिफाइन किया गया है. तो टारगेट ऑडियंस जो मेरे हैं उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ. एक बात और, यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लीज़ रीड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू अप्लाई केयरफुली. तो किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आप इस PDF में रीड कर लीजिएगा एक बार. चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट जो कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 का है, यहां पे जो आपको नंबर ऑफ पोस्ट मिल रहा है वो 4 मिल रहा है अनरिजर्व्ड के लिए. और यहां पे जो एमोल्यूमेंट्स आपको मिल रहा है वो है 67,000 प्लस HRA. और एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स है. यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की भी नीड पड़ेगी विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये जो पोस्ट है ये MEMTech स्टूडेंट्स के लिए है जिसका जॉब रिक्वायरमेंट इन सारी स्पेसिफिकेशन में डिफाइन है, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम, स्केडा एंड डेटा एक्विजिशन, लैब व्यू, ये सारी चीज़ें देखी गई है. क्योंकि R&D का सेक्शन है यहाँ पे. पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है. टोटल पोस्ट आपके पास 4 है. यहाँ पे MEMTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला गया है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स MEMTech स्टूडेंट्स के लिए है. और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ 4 पोस्ट बताया गया था, यहाँ पे लाइफ साइंस के PhD और MTech स्टूडेंट्स के लिए भी है. नवल आर्किटेक्चर MEMTech स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने MEMTech ओशन टेक्नोलॉजी में किया है. ये तीसरा पोस्ट है. और ये है चौथा पोस्ट जो कि इलेक्ट्रिकल के MEMTech स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस. और ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन दिया गया है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे उस पर जाते हैं जहाँ पे हमारे बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है. तो इसका नेम ऑफ द पोस्ट आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है, वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 था. यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है वो 25 है. और ये आपका एमोल्यूमेंट्स मतलब आपका बेसिक पे 56,000 प्लस HRA आपका होगा. यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स बताया गया है. ये जो पोस्ट है यहाँ पे 3 पोस्ट दिखाया गया है जिसमें मैकेनिकल एंड थर्मल इंजीनियरिंग के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जिनके पास बीटेक में 65% मार्क्स होने चाहिए. और यहाँ पे MEMTech भी पूछा गया, लेकिन ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है. अगर आपके पास है तब भी चलता है, नहीं है तब भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए. ये आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार. आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा
जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो नेवल आर्किटेक्चर के से आ रहा है एंड ओशन इंजीनियरिंग से 3 पोस्ट आ रहा है जो कि बी बीटेक इन मैकेनिकल सिविल ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर के लिए है। यहाँ पे एमई एमटेक स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये डिजायरेबल है और ये एसेंशियल है। मतलब आपके पास अगर बी बीटेक मैकेनिकल सिविल या फिर ओशन इंजीनियरिंग है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 60% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है बी बीटेक में। एमई एमटेक है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है, और ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन दिया गया है। थर्ड पोस्ट जो आते हैं वो हमारे बी बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो पोस्ट 60% मार्क्स बी बी टेक में आपका अगर है तो आप यहाँ एलिजिबल है। आपके पास एमई एमटेक भी है जिसमें आपके पास वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ऐसा कोई एमई एमटेक की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। फिर से मैं बता दूं कि ये एसेंशियल है, ये डिजायरेबल है, और यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है आपके जॉब का क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। यहाँ पे भी बी बी टेक स्टूडेंट्स को पूछा गया है जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे 60% आपको पूछा गया है बी बी टेक में परसेंटेज। एमई इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे आगे भी काफी सारे पोस्ट है जो कि फिजिकल ओशनोग्राफी, केमिकल ओशनोग्राफी, इन सब से रिलेटेड है, मैं इसको स्किप करता हूँ। और लाइफ साइंस के 3 पोस्ट है यहाँ पे जो कि एमएससी इन मैराइन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एमएससी बीटेक के स्टूडेंट्स जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो कि एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स के साथ किए हैं उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। और ये आता है हमारा तीसरा जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 30 है और आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो 20,000 प्लस एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 50 है। यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 और बाकी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर मैकाट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पूछा गया है। डिजायरेबल जो है वो एनी हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन है ना। और यहाँ पे नॉलेज इन सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड 2D 3D डिजायरेबल है। तो आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा है और उसके साथ साथ अगर आपके पास बी बी टेक है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एनी हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन बोला गया है। तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है लेकिन बी एम टेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो रहती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिविल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। सिविल के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है जहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट सिविल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बी बी टेक एमई एमटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिजायरेबल है, लेकिन आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है ना। डिप्लोमा होना जरूरी है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी 3 इयर्स डिप्लोमा जो है वो एसेंशियल है। अगर आपने डिप्लोमा किया है साथ में आपने बी बी टेक या कोई हायर डिग्री लिया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी बी टेक नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन R&D इंडस्ट्री एंड हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है साथ में आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में विद 60% मार्क्स तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे EWS के लिए ही एक पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 और OBC के लिए 1 है। यहाँ पे भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपसे पूछा गया है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो सकता है। यहाँ पे डिजायरेबल जो कि एसेंशियल नहीं है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन R&D होना चाहिए और ये आपका जॉब की रिक्वायरमेंट्स है जो यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने BSc किया है या BCA किया है 3 इयर्स का। और यहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस, MSc IT एंड MCA ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन पूरी तरीके से यहाँ पे दी गई है। लाइफ साइंस में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और ये उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का पोस्ट है। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड या फिर ITI स्टूडेंट्स के लिए ये सारी पोस्ट दी गई है जो कि सारे ब्रांचेस के लिए लगभग है। तो
तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट्स का भी यहाँ पे पोस्ट है, जहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट ये बोला गया है, और यहाँ पे एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो कोई भी डिग्री होने से चलता है यहाँ पे, ये बोला गया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दी गई है। यहाँ से चालू होता है जनरल कंडीशंस, जो आपको अप्लाई करने के पहले रीड कर लेना चाहिए। यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपके पास वेबसाइट का एड्रेस है, जहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा, और वहीं से आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये बताया जा रहा है कि आपका इंटरव्यू होगा या तो टेस्ट होगा, दोनों चीज़ें नहीं होगी, है ना, इंटरव्यू होगा या तो टेस्ट होगा। तो वो कौन से डेट में होगा ये बता दिया गया है अभी से, डिपेंड्स अपन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार वो डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरव्यू लिया जाए या फिर टेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, जहाँ पे एमई एमटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे, उनके लिए नेक्स्ट मंथ 13, 14 and 15 का डेट तय किया गया है, जो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ पे लिखा गया है। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जहाँ पे BE/BTECH के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए 10 मार्च, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए 13 मार्च, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए 14 मार्च, इस तरीके से डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर टेस्ट डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे अगर हम लोग जाए तो हमारे पास डिप्लोमा स्टूडेंट्स, ITI स्टूडेंट्स के लिए भी सारा डेट यहाँ पे मेंशन है। तो द वेब लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 28th of February 2023, मतलब इस महीने के लास्ट डे तक आपके पास ये अवेलेबल रहेगा 5 बजे तक। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके वेब लिंक, जिसके बारे में मैंने 2 बार बताया है, उस लिंक पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू विल बी फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, तो इंटरव्यू का डेट पहले से डिफाइन है, तो यहाँ पे इंटरव्यू 10 AM से चालू हो जाएगा। टेस्ट विल कमेंस बाय, अगर टेस्ट लिया जाता है तो 10:30 मतलब 10:30 AM सुबह के आपके पास टेस्ट लिया जाएगा, अगर प्लान किया गया है तो। दिस पोस्ट आर प्योरली टेम्पररी अंडर प्रोजेक्ट मोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो जो भी पोस्ट आपको दिया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। तो द असाइनमेंट इज फॉर फिक्स्ड टेन्योर और को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट इन विच ही शी इज एंगेज्ड विच एवर इज अर्लियर। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन R&D का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पे स्केल भी बहुत अच्छा है, HRA+ यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यहाँ पे रह के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, गेट की तैयारी या फिर जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की नीड है वो सारे कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो मैंने यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर किया। जस्ट मैं इसको फिनिश करके आपको कुछ बताता हूँ कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि गेट की तैयारी कहाँ से की जाए और कैसे की जाए, तो मेरे पास यहाँ पे आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं जस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपके पास वो सारी जो चीज़ें हैं जो प्रॉपर फॉर्म में अनअकैडमी के ऐप में हैं वो आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप अगर प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं तो आप कर सके। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप अनअकैडमी में प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आपका टारगेट एग्जाम गेट है या फिर IRMS है या फिर ESC है या फिर CSE है, आपको जो गोल सेलेक्ट करना है अनअकैडमी के ऐप में वो है गेट या फिर ESC EEC। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उड़ान बैच 2024 के लिए और 2025 के लिए बुनियाद बैच, जिसमें नेटवर्क थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसको अंकित गोयल सर 7 PM से स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। 10 तारीख को जितने क्लासेस हो गए वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डिले करते हैं तो ये चीज़ें प्रॉपरली आपको नहीं मिल पाएगी। तो आज ही आपको डिसीजन लेना है, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स है जो कि अनअकैडमी गेट अकेडमी के साथ है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि आज जो है वो लास्ट डेट है, 10 फरवरी से ये ऑफर चल रहा था और आज जो है वो लास्ट डेट है। अगर आपने प्लान कर लिया है तो आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट किस चीज़ का, ये 50% ऑफ जो आपको दिया जा रहा है, प्लस अप टू 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। किस कोर्स में, ये है प्लस का सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। कौन सी ईयर को टारगेट करते हुए, गेट 2024 को टारगेट करते हुए, तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, लर्नर्स ऐप, उसमें कोड यूज़ कीजिए GA1111 और सब्सक्राइब कीजिए 12 मंथ का कोर्स या फिर 24 मंथ का कोर्स। और ये जो है ये आपके पास 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है।
और खास बात ये कि ये प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2025 के लिए भी आपके पास 50% का ऑफ दिया जा रहा है, प्लस 6 मंथ का फ्री अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। इसका भी लास्ट डेट वो आज ही है 15th, और यहाँ पे भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। 24 मंथ प्लस 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे 24 मंथ प्लस 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको अनअकैडमी के लर्नर ऐप में जाके जस्ट कोड यूज करना है, GA1111। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको सब्सक्राइब करना है आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 15th इज द लास्ट डेट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे बैचेस और क्लासेस का, इन क्लास डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स आपको मिल जाएगा, और जो आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लगभग 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके साथ PYQ की भी आपको कॉपी मिल जाएगी 10 साल की। यहाँ पे जो कोड यूज करना है वो है GA1111, जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और गाइडेंस ऑफ गेट अकेडमी और अनअकैडमी फैकल्टी मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करें कि आपके पास अगर इंग्लिश हिंदी में या फिर इंग्लिश में रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसका भी लास्ट डेट आज ही है, मतलब 15th of February। तो आपके पास 15th month या फिर 30 मंथ का कोर्स 20% ऑफ में अवेलेबल कर दिया गया है। तो आप फटाफट से जाइए अनअकैडमी लर्नर ऐप में, GA1111 कोड यूज कीजिए, क्योंकि इसका भी लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो आज ही इसका लास्ट डेट है, क्योंकि ये ऑफर चलाया गया था 10th of February से, एंड 15th of February इज द लास्ट डेट टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है कि अनअकैडमी एक ऑफलाइन सेंटर ओपन कर रहा है फॉर गेट एंड ESE स्टूडेंट्स दिल्ली में, है ना, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे, 100% सिलेबस कवरेज विद इन टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिवाइज थ्योरी बुक्स मिल जाएगी स्पेशली क्यूरेटेड बाय फैकल्टी जो यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स है। आपको बेहतरीन क्लासरूम मिल जाएगा वहाँ पे, प्लस आपको 70+ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसमें अभी एनरोल करते हैं तो आपको 33% का अर्ली बर्ड ऑफर जो कि अवेलेबल है राइट नाउ वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 50% उन स्टूडेंट्स के लिए ऑफ दिया जा रहा है जो कि एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स है, 50% उन स्टूडेंट्स के लिए ऑफ दिया जा रहा है जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके हैं और अपने इंस्टीट्यूट को स्लाइड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अर्ली बर्ड का ऑफर जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 33% का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, और 20% ऑफ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि अंडर 1000 रैंक लेके आते हैं और प्रिपरेशन ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू करना प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो ये हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है, इस QR कोड को स्कैन करके आप गूगल मैप के थ्रू हमारे लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, और लोकेशन का एड्रेस है खसरा नंबर 262 वेस्टर्न मार्ग, साकेत, न्यू दिल्ली में आप पहुंच जाइए। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेट और ESE के कोर्स में लो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI जो है ऑफर किया जा रहा है, और ये नो कॉस्ट EMI आपको पर मंथ 2239 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका अप्रूवल जो है वो तुरंत हो जाएगा, मिनिमल पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के साथ आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो जस्ट आपको यूज करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके GA1111 जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेस में, जो कि एक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है अनअकैडमी के लर्नर ऐप में। सो आप फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक्स अवेलेबल है, आप उस लिंक में क्लिक कीजिए अपने ब्रांच के अनुसार और फटाफट से ज्वाइन कीजिए गेट अकेडमी अनअकैडमी का कंबाइंड लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।